अस्सलाम वालेकुम। ये 13th वीडियो है मशीन लर्निंग विद पाइथन में। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम में देखा था कि हमें अगर पाइथन में जो बिल्ट इन डाटा है उसको इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए एक सीबोन लाइब्रेरी है, उसके थ्रू हम डाटा अपना इम्पोर्ट कर लेते हैं। डाटा सेट का नाम चेक करने के लिए हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे लिख लेते हैं डाटा सेट गिटहब। ये हमें डायरेक्ट उसी लिंक पे ले जाएगा। तो हम यहाँ पे डोट्स वाला डाटा ले लेते हैं। पहले बस जो हैं रोज उनको ले लेते हैं इसमें। हमारे पास ये डाटा आ गया। अब इस डाटा को हमने अगर विजुअली रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास तीन कमांड्स होती हैं इसी सीबोन लाइब्रेरी में। पहली है डिस्क प्लॉट, उसके बाद है हिस्ट प्लॉट और उसके बाद है केडी प्लॉट। सबसे पहले हम हिस्ट प्लॉट देख लेते हैं। ये हमारे पास हिस्टोग्राम आ गया इसी डाटा का, अब वाले का। अब अगर हम इसे देखें तो हमारे पास वाई लेबल जो है वो नंबर ऑफ काउंट्स हैं, जो एक्स लेबल है वो हमारे डाटा की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है। अगर हम देखें तो मिनिमम -80 और मैक्सिमम जो है वो 51 है, तो ये 51 तक ही जा रहा है डाटा। जो हमारी ये बार्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे पास बीन्स। बीन्स बेसिकली डाटा सेगमेंट्स होते हैं। तो ये हिस्टोग्राम क्या करता है कि हमारे पास जितनी हमने मेंशन की हो उतनी नंबर ऑफ बीन्स क्रिएट कर देता है और देखता है कि उस बीन में कितना हमारे पास डाटा जो है उस बीन में लाया कर रहा है। देन उसके नंबर ऑफ काउंट्स जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो टाइम वाला है ये इसके नंबर ऑफ काउंट 10 है इसी रेंज में, -60 to 80 की रेंज में। अगर देखें तो हमारे पास जितना भी टाइम है वो सारा इसी रेंज में रिप्रेजेंट कर रहा है, -60 to 80। उसके बाद हमारे पास कोहरेंस है, तो कोहरेंस देखें हम हमारा -20 से स्टार्ट हो रहा है और ये 57 तक जा रहा है। जो इस ये वाली बिन है इसमें तकरीबन हमारे पास 6 है। ये बिन की रेंज बन रही है -17 से लेके कुछ 7 तक बन रही है। तो इसमें हमारे पास 6 नंबर्स ऑफ काउंट्स हैं। उसके बाद ये एक पैटर्न बन रहा है डाउनवर्ड का। उसके बाद हमारे पास फायरिंग रेट है। फायरिंग रेट का ऑलमोस्ट सारा डाटा ये हमारे पास लास्ट बिन में है। तो हम बेसिकली हिस्टोग्राम प्लॉट यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसका एक विजुअल हमें ट्रेंड पता चल जाए। और दूसरा ये कि अगर जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें पॉसिबल चांसेस यही होते हैं कि हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यूज़ आ जाएँ या फिर हमारे पास जो है उसमें कोई रॉन्ग वैल्यूज़ इंटर हो जाएँ। तो उन रॉन्ग वैल्यूज़ को विजुअली हम बड़े ईजीली देख सकते हैं थ्रू हिस्टोग्राम प्लॉट। अब हिस्टोग्राम प्लॉट्स में के पैरामीटर्स कुछ देख लेते हैं। इसमें हमारे पास पैरामीटर्स है, पहला तो है हमारे पास बिन्स। हम बिन्स जो है अभी ऑटो पेज में जनरेट किए हैं। बिन्स हम चेंज कर सकते हैं खुद से जितनी भी हमने रखनी हो। लेट्स से हम अभी 6 बिन्स हैं, हम 5 बिन्स रख के देखते हैं। अब हमारे पास ये नंबर ऑफ बिन्स 5 होगी। तो अगर हमने 3 रखनी हो 3 भी हो जाएंगे, 3 आ गई हमारे पास। अब ये बिन्स की जो है वो इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम बिन्स बहुत ज़्यादा रख लेंगे तो हमारे पास जो है एक तो नॉइस ऐड हो जाएगी और जो डिटेल्स होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, हमें उसमें से एनालाइज करना डाटा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बिन्स जो है वो बहुत कम रख देंगे जैसा कि अभी नज़र आ रहा है हमारे पास, उस केस में भी हम जो है आउटलायर्स को या मिसिंग वैल्यूज को सेपरेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्टिमम बीन्स रखने के लिए भी एल्गोरिथम्स हैं या फार्मूलाज हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ बीन्स जो है वो ऑप्टिमम रख सकते हैं। उसके बाद
स्टैट का एक वेरिएबल है, स्टैट के वेरिएबल बेसिकली हमारा अवेलेबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसके डिटेल्स में देखें नीचे, तो स्टैट टोन से हम फ्रीक्वेंसी भी से ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी ले सकते हैं, परसेंटेज भी ले सकते हैं, डेंसिटी भी ले सकते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो वो इस तरीके से होगी कि हमारे पास जो सबकी सम होगी वो इक्वल टू 1 होगी, लेकिन वो जैसे ये 0 से 10 दे रहा है वो उस परसेंटेज में देगी टोटल के अकॉर्डिंग। इसके बाकी भी वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिनको रीड आउट किया जा सकता है, जैसे ये कलर्स हो गए या फिर ये केडी होगा, केडी का हम अभी देखते हैं नेक्स्ट में। उसके बाद है हमारे पास दूसरा जो आता है वो है केडी प्लॉट। केडी प्लॉट कौन सा है, वो हमारे पास जो था ये हिस्टोग्राम प्लॉट, ये डिस्क्रीट में दे रहा था। जो ये केडी प्लॉट है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज़ करते हुए हमारे हमें ये कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा देता है। अगर हम देखें इसका ट्रेंड तो इन दोनों का सेम ही है, अगर हम 6 रख के यहाँ पे ये 8 से ऑटो पे रखने दें, मीन्स तो हमारी एक पीक आती है ऑलमोस्ट -80 पे, -80 की रेंज में। उसके बाद जो है हमारे पे डाउनवर्ड चले जाता है और 0 के बाद कुछ एक पीक आती है और देन हमारे पास जो है फायरिंग रेट की पीक आती है 30 पे। तो ये वही डाटा है लेकिन ये कंटिन्यूस फॉर्म में हमें दे रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्प्लॉट का फंक्शन। डिस्प्लॉट जो है वो न्यू जो है एक्सीबॉन के वर्जन, उसमें ये ऑब्सोलीट हो चुका है, तो लेकिन हम सिर्फ एक बार इसका देख लेते हैं। तो इसमें ये एक चीज़ है कि हमारे पास जो डाटा है उसमें नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज में है, तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज की वजह से ये एरर्स दे रहा है। तो हम किसी एक कॉलम का रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे हम फायरिंग रेट का ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये डाटा आ रहा है, इस डाटा में देखें तो ये डाटा जो है ना बेसिकली ये सम है इस प्लॉट का और केडी प्लॉट का। ये केडी प्लॉट की आ गई अगर हम देखें इसकी, और जो है ये इस प्लॉट की आ गई है पीक। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर इसी सीबोन लाइब्रेरी पे देखेंगे किस तरीके से हम इसमें दूसरे जो फंक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।